प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा के दो उपचुनाव की। 30 अक्टूबर को मतदान है, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति में गजब का भूचाल आया हुआ है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल के नेता वहां कैंप कर गए हैं। तेजस्वी यादव पिछले दो दिनों से वहां पर कैंप किए हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। चिराग पासवान भी इससे पीछे नहीं है। वे अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। नाव के सहारे वे प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने और देखने भी पहुंच रहे हैं। इसको वो मतदान केंद्र पर वोट के रूप में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की चर्चा करें तो वो पिछले कई दिनों से वहां पर कैंप किए हुए हैं। अपना प्रचार प्रसार करने के बाद वे मछली भी मार रहे हैं। मछली पर लेकर कई प्रकार की सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर का तारापुर विधानसभा अभी सुर्खियों में है। दो दिन बाद कांग्रेस के भी सीनियर नेता वहाँ कैंप करेंगे। कन्हैया कुमार के 22 तारीख को पटना आने की सूचना है। उसके बाद वहां रोचक लड़ाई शुरू होगी। दरअसल यह लड़ाई इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह जीत और हार सरकार के सेहत पर भी बहुत कुछ असर डालेगा। यह असर कितना होगा यह तो जीत हार के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि इस जीत हार से सरकार के गुना भाग पर असर जरूर पड़ेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।